नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास खबर में। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को मतदान होने हैं, जिसको लेकर सभी राजनेता जनता से वोट देने की अपील करते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की बहू पूर्व मिस इंडिया अनुप्रीति गुंसाई के बीजेपी को अपना समर्थन देते हुए नजर आई है। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार अनुप्रीति ने वीडियो जारी कर कहा है कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर को अपना समर्थन दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही देश विश्व की तीसरी महाशक्ति बन सकता है। आज रामनवमी की शुभ अवसर है। 500 साल बाद पहली बार ये मौका आया है जब भगवान राम अपना जन्मदिन टेंट में नहीं बल्कि मंदिर में मनाएंगे। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेहतर कार्य कर रहे हैं। धामी ने समान नागरिक संहिता लाकर देश में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। वहीं यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। ऐसे में मैं आप सभी से अपील करती हूं कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएं ताकि उत्तराखंड के विकास को गति मिल सके। अभी के लिए इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।